अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मोमिन गोट फार्म। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को डेली की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, आज जैसा कि ईद का दिन है और आप सभी को दोस्तों ईद मुबारक मोमिन गोट फार्म की तरफ से। और दोस्तों, आज शोएब भाई के बकरे कवर करेंगे जो कि फोर सेल है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। और इंशाल्लाह 3 वीडियो की सीरीज़ बनेगी, उसमें सब बकरे एक दो 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 करके दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सोजत से, और एक इसके साथ में एक और बकरा आएगा तो इंशाल्लाह वो वीडियो में ले गए। ये बड़ा बच्चा है, वो हिसाब से इसको अभी पहला ले रहे। तो अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम सलाम। शोएब भाई, अपने आज व्यूअर्स को क्या दिखाने के लिए लाए हो? भाई, आज अपने पास एक सोजत है जी और एक बरबरा है ये वीडियो में जी। और मतलब क्वालिटी तो दिख ही रही है भाई, तो इसकी डिटेल्स वगैरह भी बता दोगे तो बहुत ही आसानी होगी लोगों को भी चीज़ देखने में। भाई, ये बच्चा एक दांत तोड़ा था जब मैंने लिया था, अभी भी एक दांत कंप्लीट हुआ है और सेकंड दांत तोड़ा है, दिखा देंगे इंशाल्लाह वीडियो में भी दिखा दूंगा। लेकिन ये बच्चे को लेके भाई मेरे पास तकरीबन 20-22 दिन हो गया है। 22 दिन, माशाल्लाह 22 दिन हो गया है। बच्चा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सेट है भाई जी, और माशाल्लाह लेंथ में बहुत बड़ा है भाई। लेंथ तो दिख ही रहा है भाई, और एक्टिवनेस देख रहा हूँ भाई इसकी, जब से देख रहा हूँ सिर्फ खेल रहा है, खेलता है भाई, मारता है, मस्ती खो रहे वो तो बोलते ना माशाल्लाह। दोस्तों, चेहरे का और कान में माशाल्लाह लंबे कान का बच्चा है। एक बार मैं थोड़ा जो पास से दिखा दूं दोस्तों, चेहरा वगैरह माशाल्लाह बच्चे का क्वालिटी देखे आप। और सबसे मेन चीज दोस्तों, पाए देखे इसके, चारों पैर मोटे पैर है माशाल्लाह से, क्वालिटी देखे आप। देखे मतलब इतना हुआ है कि बकरा सिर्फ मारता है, अगर छोड़ दिया जाए तो पीछे पड़ जाएगा वो इंसान के जो परेशान कर रहा है। बाकी भाई, इसकी हाइट क्या होगी माशाल्लाह से? अभी दो बात कर रहा है, सबसे हाइट क्या है इसकी? भाई, जब लिया था मैंने तो इसकी हाइट 37 मापे थे जी, अभी इंशाल्लाह भाई एक आधा इंच तो फर्क पड़ता ही है हाइट से, तो 37-38 इंशाल्लाह इसके बीच में, या 37 तो कंफर्म मैंने मापा ही था। बाकी दोस्तों, आप 37 ही मान के चलो, बाकी अगर किसी को वीडियो चाहिएगी तो नाप के दे देंगे। भाई का मानना है कि 37 प्लस ही हाइट आएगी, और इंशाल्लाह फर्क दिख रहा है बच्चे में, वो हिसाब से बच्चे का हाइट में फर्क होगा। और वजन क्या है भाई इसका? भाई, वजन 50-55 केजी है, इंशाल्लाह उसके बीच में ही निकलेगा। 22 दिन पहले अपन ने भाई 50 किलो तोले थे जी, अभी तो इंशाल्लाह भाई प्लस ही रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह बकरे में। 50-55 केजी के और बीच में कंसिडर करो दोस्तों आप, इंशाल्लाह वजन करा के अगर किसी को वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी। बाकी बकरे की क्वालिटी देखे भाई, ये साल की कुर्बानी के लिए और आते साल के लिए क्या रहेगा, मतलब एक्सपेक्टेशन कि ये साल में क्या वेट और आते साल में क्या वेट आएगा? भाई, अगर जैसा अभी कुर्बानी के लिए 2 महीना बचा है जी, तो अगर कोई लेके अगर अच्छा मतलब खिलाई पिलाई करेगा इंशाल्लाह, तैयारी पे लेगा, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई 68-65 इंशाल्लाह जाएगा आराम से, 70 भी जा सकता है जो हिसाब से लेंथ फ्रेम है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह भाई चूनी पे सेट है, मेरे पास चूनी खाता है दोस्तों, अनाज में मिक्स फीड खाता है, गेहूं, मकई, जौ, चना, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज आराम से हजम कर रहा है, और पत्ते वगैरह भी बहुत अच्छे से खाता है दोस्तों। और बाकी भाई, अपना आते साल के लिए अगर कोई लेगा तो क्या रहेगा इसका, मतलब एक्सपेक्टेशन की क्या हाइट जाएगी, क्या वेट जाएगा? अच्छी चीज है, क्योंकि आप पैर देख सकते हो बकरे के जी, क्योंकि पैरों की मजबूती देख सकते हो माशाल्लाह, एकदम मोटे पैर का, चारों पैर इसके माशाल्लाह एकदम मोटे पैर का है, और झालर वालर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है चेहरे। बाकी आते टाइम में हाइट क्या जाएगी इंशाल्लाह? भाई, एक्सपेक्टेशन तो है कि 40 इंशाल्लाह आराम से जाना चाहिए मेरे, क्योंकि अभी से 37 प्लस हाइट है और एक दांत किया है बकरे ने, वो हिसाब से बहुत अच्छी हाइट जाएगी। और लेंथ दोस्तों मैं बोलूंगा आप लाइव आके देखो बच्चे को, क्योंकि लेंथ फ्रेम बहुत बड़ी है। ये वीडियो शायद इसको नहीं मतलब वो जस्टिफाई कर पाए कि बच्चा क्या हाइट लेंथ पे, बाकी बकरा लाइव देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझेगा कि चीज़ क्या है। और ये साल की कुर्बानी के लिए बोले तो और भी अच्छी चीज़ है, और आते साल कोई रखना चाहे पल्टी के लिए तो माशाल्लाह बच्चा और अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। वेट क्या जा सकता है एक लास्ट भाई? इंशाल्लाह 100 प्लस ही जाएगा आराम से इंशाल्लाह, क्रॉस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों क्वालिटी है। बाकी भाई, जैसे दांत दिखाने का बोले तो दांत भी देख लेते, जरा दांत दिखा देना इसका, देख सकते हो दोस्तों एक दांत करके दूसरा अभी कर रहा है, जरा पकड़ लो भाई आप सही से दिखा दो, दूसरा निकाल रहा है भाई, दूसरा निकाल रहा है दोस्तों माशाल्लाह। अच्छा, अभी ये हिसाब से 37-38 अगर हाइट है माशाल्लाह,
तो आगे और अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। और ईद तक भरोसा नहीं 38-39 हाइट भी जा सकता है, क्योंकि अभी ईद के लिए 2 से 3 महीना है, तो वही सबसे और अच्छा हाइट लेंथ और गेन भी करेगा बच्चा माशाल्लाह। देखे बच्चे एक्टिवनेस देखे, एक्टिवनेस देखे आप लोग, थोड़ा खेलो भाई इसके साथ। भाई वो बच्चे को कुछ डर लग रहा है कि वो कहीं मस्ती में मारे नहीं। वो तो है भाई, वो बच्चा जो हिसाब से एक्टिव है इतना, देखे सिर्फ उछल के बोलते ना खेल रहा है। दोस्तों इसकी अगर किसी को खेलती हुई वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी आप लोगों को, खेलती कूदती और हाइट नाप के या वजन करके अगर किसी को चाहिए तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो भाई दूसरा बरबरा ले लो ना वीडियो में जी। दोस्तों जैसा कि इस दूसरा बकरा एक बरबरा बताए थे, माशाल्लाह क्वालिटी देखे आप बरबरे की। बेटा आडियो माशाल्लाह पुरनी कान दोस्तों, पूरे खड़े कान है, 11 नंबर जिसको बोलते हैं दोस्तों। कानों की क्वालिटी देखे, चेहरा देखे, मैं तो बैठ के बनाऊंगा माशाल्लाह वीडियो। बाकी बच्चे की क्वालिटी देखे दोस्तों। शोएब भाई इसकी क्या डिटेल्स है और क्या है प्राइस इसका बताइए, दोनों का भी बताइए इंशाल्लाह देखते हैं। भाई ये 6 महीने 7 महीने का बच्चा है जी। थोड़ा चला भाई इसको, थोड़ा चलाते रहो इधर से उधर करो। ये भी माशाल्लाह भाई बॉम्बे बॉर्न बच्चा है। बॉम्बे नहीं भाई, ये एक्चुअली बच्चा अपना इधर का ही है, जालना का था। जालना से जब छोटा बच्चा था तभी बॉम्बे में आया था जी, तकरीबन 3 महीने का, तब से बॉम्बे में ही बच्चा है। और माशाल्लाह देख सकते हो एंटीना कान में है, फुल सेट बच्चा है। और ये मतलब मुंबई में दोस्तों, मुंबई में तकरीबन 4 महीने से है भाई बच्चा। चार महीना नहीं भाई, कम से कम 2 महीने 2.5 महीने से है बच्चा भाई, क्योंकि जिनके पास था भाई दूसरों के पास था, उनसे अपन ने परचेज किया, उनके पास भी काफी टाइम से था। तो मतलब ये 4 महीने से मुंबई में है, तो अभी क्या करंट वे अपना उम्र पे क्या है ये भाई बच्चा? 7 महीने के करीब इंशाल्लाह होगा। 7 महीने के करीब बाकी मेरे को तो जाता है कि बच्चे की 6 से 7 6 महीने का लगता है, बाकी भाई 7 महीना बोल रहे। माशाल्लाह क्वालिटी देखे, अभी तो सिक्के दोस्तों खोलना शुरू किया है बच्चे ने, अभी तो कैल्शियम जा रहा है तो बच्चा सिक्के बहुत स्पीड में खोल रहा है, क्योंकि सिक्के अभी बहुत छोटे थे जब लिए थे, अभी माशाल्लाह सिक्के उसने अच्छे कर दिए है और इंशाल्लाह और अच्छे करेगा, क्योंकि जो हिसाब से ज्वाइंट कर रहा है बच्चे से हथियार, वो हिसाब से और अच्छे मतलब ज्वाइंट करेगा। बाकी भाई ये क्या वेट पे होगा? वैसे तो वेट इसका कोई मैटर नहीं करता जो हिसाब से बच्चा है, बाकी फिर भी भाई बच्चा लगभग 18 किलो होगा मेरे हिसाब से। 18 तो नहीं, अंदर ही होगा 15 किलो आप मान के चले, 15 प्लस, क्योंकि बच्चा माशाल्लाह बहुत दम बोलते ना स्किन देखे पूरी एकदम एकदम चिकनी चमड़ी का बच्चा है माशाल्लाह। बालों की क्वालिटी देखे, चेहरा देखे, कान की क्वालिटी देखे। बाकी भाई इसका क्या प्राइस है बच्चे का? बरबरे का भाई मैं 10,500 रुपया भाई कोट कर रहा हूँ। 10,500 रुपया माशाल्लाह बहुत अच्छे रेट में भाई, उसमें स्लाइटली नेगोशिएबल होगा भाई और ज़्यादा नहीं होगा भाई। और मैं ये भी बोलूँगा भाई कि भाई 8,500-9,000 के लिए मुझे कॉल ना करे भाई, मैं पहले बोल दूँगा, क्योंकि भाई मेरी परचेसिंग नहीं है ठीक है। बाकी दोस्तों क्योंकि मेरा अभी एक्चुअली मेरे पास अभी भाई बड़े बकरे आ रहे हैं, तो रीज़न से अभी थोड़ा क्या जगह नहीं हो रही एडजस्ट मेरे पास बच्चों की, तो रीज़न से मैं फिलहाल अभी सेल पर निकाला हूँ। बाकी दोस्तों 10,500 रुपये भाई कोट कर रहे हैं, उसमें भी स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएगा, वही सबसे बहुत अच्छे रेट में, वरना आज के टाइम में बाहर से भी औरंगाबाद या पुणे से भी परचेस करने जाओ बच्चे तो महंगे ही आ रहे हैं। बाकी क्वालिटी है दोस्तों। और वो बकरे की क्या रेट और क्या मतलब है, तो भाई उसका क्या प्राइस रहेगा बड़े बच्चे का? भाई उसका भी रीजनेबल प्राइस है, लेकिन कॉल पे प्राइस देना मैं। बाकी किलो से है नग से है बच्चा? भाई किलो से चाहिए किलो से देंगे, आज का जो रेट चल रहा है फिलहाल सोचत का, किलो से चाहिए किलो से देंगे और नग पे चाहिए तो नग पे देंगे इंशाल्लाह, जैसा लोगों को मुनासिब लगे वैसा देंगे। बाकी किलो से दोस्तों मैं बोलूंगा जो हिसाब से रेट होगा वही हिसाब से किलो से भी सस्ता होगा। किलो से लोग आज की तारीख में 450 रुपये बेच रहे हैं, इंशाल्लाह उससे कम ही रहेगा अपना जी जो रेट रहेगा। बाकी दोस्तों नग से भी लोगे तो भी बहुत अच्छे रेट में है, आप भाई को कॉल करें कॉन्टेक्ट करें, मैं नंबर स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो आप जिस भाई को भी दोनों बच्चों में से जो बच्चे में भी इंटरेस्ट हो आप शोएब भाई से कांटेक्ट करें और कॉल करें दोस्तों, इंशाल्लाह प्राइस वगैरह जो भी अगर वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।